19 भाषण हर महीने, एक स्पीच 30 मिनट से ज्यादा। जानिए 3.5 साल में कितना बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत हासिल करने के बाद से ही देश में हुए हर चुनाव में अपनी पार्टी के सबसे लोकप्रिय प्रचारक साबित होते रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से अब तक कितने भाषण दे चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 23 अक्टूबर तक 775 भाषण दे चुके हैं। इन्हें से 166 भाषण विदेश में दिए गए। ईटी ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर ये दावा किया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हर महीने औसतन 19 भाषण दिए हैं। ईटी ने अपनी रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन्हीं भाषणों को शामिल किया है जो 30 मिनट से लंबे रहे। इस रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने पद संभालने के बाद हर तीसरे दिन भाषण दिया है। 26 मई से 31 दिसंबर 2014 तक पीएम मोदी ने 135 भाषण दिए थे। साल 2015 में पीएम मोदी ने 264 भाषण दिए। साल 2016 में पीएम मोदी ने 207 भाषण दिए। साल 2017 में 23 अक्टूबर तक पीएम मोदी ने 169 भाषण दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने अब तक एक महीने में सबसे ज्यादा 36 भाषण नवंबर 2015 में दिए थे। उन्होंने अप्रैल 2015 में 32, सितंबर 2014 में 31 और मई 2015 में 30 भाषण दिए थे। ईटी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी भाषणों का अध्ययन किया है। ईटी के अनुसार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने कुल 1401 भाषण दिए। मनमोहन सिंह ने पीएम रहने के दौरान हर महीने औसतन 11 भाषण दिए। रिपोर्ट के अनुसार मनमोहन सिंह ने यूपीए 1 या यूपीए 2 के 5-5 साल के शासन में जितना बोला था उससे ज्यादा घंटे पीएम मोदी अपने पहले 3.5 साल में बोल चुके थे। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मनमोहन सिंह ने चुनाव के दौरान न के बराबर भाषण दिए थे। वहीं पीएम मोदी पिछले 3.5 साल में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां पीएम मोदी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। गुजरात अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और पिछले एक महीने में पीएम मोदी करीब आधा दर्जन बार राज्य का दौरा कर चुके हैं।